गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा योर मैस टीचर टू वी विल कंटिन्यू विद आवर चप्टर नंबर थर्टीन ऑफ क्लास फोर द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट दिस ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑफ फोर पार्ट दे लर्न अबाउट द मेजरमेंट मेजरमेंट होता क्या है बेसिक यूनिट्स हम स्टार्ट कर चुके थे इट मीन वी स्टार्ट फ्रॉम द मिलीमीटर टू कन्वर्ट सेंटीमीटर देन वी फॉलो अप दैट मीटर सो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर में देख लिया था कैसे हम कन्वर्टेशन करेंगे कैसे हम ये देखेंगे कि किसी लेंथ को हम कैसे उसको मेजर कर पा रहे हैं थ्रू द स्केल ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी इन पार्ट फोर हम स्टार्ट कर चुके थे हमारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर एंड था उन, उनको हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में सॉल्व कर लिया था तो चलिए हम आज के पार्ट मेंिक्स में uh, तो वॉट इज द क्वेश्चन फॉलोइंग फ्रॉम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर सो रिकॉल कीजिए कि अगर मिलीमीटर से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको सेंटीमीटर uh, को उसकी ओर मूव कर रहे हैं तो क्या करने वाले थे हम डिवाइडेशन बाय द टेन करने वाले थे बिकॉज वी नो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर सो हम देख पा रहे हैं हमारे पास में है ट्वेंटी मिलीमीटर सो इजीली वी नो सेंटीमीटर इज इक्वल टेन एम एम इज दिस क्लियर सो ट्वेंटी डिवाइड बाय टेन इज इक्वल टू टू सी एम इज आवर आंसर क्लियर हो गया क्योंकि हमें पता है हम बेसिक क्या कर रहे हैं कि स्मॉल टू बिग की ओर मूव कर रहे हैं डिवाइडेशन प्रोसीजर हमें वहाँ फॉलो करना होगा टेन का डिवाइडेशन दिया टू सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल करके आ गया नेक्स्ट यूनिट्स हैं थर्टी मिलीमीटर सो वन सी एम इज टू टेन एम एम 30 डिवाइड बाई टेन थ्री सेंटीमीटर इज आंसर ओके, टेन एम एम कहता है इफ देन यू कैन सी मी सो हमारे पास थर्टी है टेन का वन बन रहा है ट्वेंटी का टू बनेगा का बनेगा तो सेंटीमीटर हमारा आंसर okay. थोड़ा डिवाइडेशन हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यूनिट है फोर्टी एम एम सो यहां पर हम लिख सकते हैं वन सी एम इज इक्वल टू टेन एम एम इन दिस वे फोर्टी डिड बाई टेन आंसर विल बी फोर दैट कन्वर्ट इन टू सेंटीमीटर एंड इज अवर आंसर क्लियर हो गया ना सीधा सीधा टेन का डिवाइडेशन देना है मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है टेन का डिवाइडिशन देना है और अगर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मूव आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाई द टेन करना है कैसे देखो फोर को मल्टीप्लीकेशन बाई द टेन दिया कितना आया फोर्टी मिलीमीटर कन्वर्ट हो गया सो रिवर्स मोड हमने देख लिया ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर फाइव से इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर अब हमें वैसा कुछ करना है कि सेंटीमीटर जो स्मॉल यूनिट है उससे बिग यूनिट यानी कि मीटर की ओर मूव करना है एंड वी नो इफ वी हैव हंड्रेड सेंटीमीटर देन इजिली वी कैन से वी हैव वन मीटर ऑल्सो बिकॉज वन मीटर हैव द कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड सेंटीमीटर सो यहाँ हमारे पास में कितना है भाई फोर हंड्रेड सेंटीमीटर है सो वी नो हंड्रेड सी एम इक्वल टू वन मीटर दैट्स इट ओके हंड्रेड सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं 100 तो आप मुझे कह सकते हैं कि फोर हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड इक्वल फोर मीटर दैट इज आवर आंसर हंड्रेड से डिवाइडन हो गया क्यों, क्यों हो गया डिवाइडेशन भाई स्मॉल टू तो बिग की ओर मूव कर रहे हैं स्मॉल टू तो बिग मूव करना है क्या करना पड़ेगा डिवाइडेशन देना पड़ेगा एंड वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर रेशियो सो वन मीटर रेशियो वन मीटर क्या कह रहा है कि भाई मैं इक्वल हूँ हंड्रेड के टू मीटर क्या कहेगा टू हो गया थ्री मीटर क्या कहेगा थ्री हो गया फोर मीटर क्या कहेगा फोर हो गया तो आंसर कंपेयर करके देखो आ गया ना चलो नेक्स्ट क्यों मूव कर लेते हैं द नेक्स्ट यूनिट इज सिक्स सेंटीमीटर सो वी नो वन सेंटी is equal to 1 meter then easily we can say if we have 600 centimeter equal 600 divided by 100 answer will be 6 meter that is our final answer बिकॉज वी नो इफ वी मूव फ्राम स्मॉल टू बिग यूनिट दैन वी फॉलो द डिवाइडेशन प्रोसीजर ओके उसका उतना पार्शन में क्रिएट करके देखना है कि भाई अगर ये सेंटीमीटर पोर्शन है तो ये मीटर पोर्शन में कितना क्रिएट होगा तो यहाँ हमने डिवाइडेशन देख लिया रफली चेक कर लो हंड्रेड का मीन्स क्या हो रहा है वन मीटर टू हंड्रेड का मतलब क्या हो रहा है टू मीटर सिक्स हंड्रेड का मतलब क्या होगा सिक्स मीटर दैट इज योर आंसर क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं द नेक्स्ट नंबर इज नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर एज द प्रीवियस नॉलेज वी नो इफ वी हैव हंड्रेड सेंटीमीटर देन वी कैन ईजिली से वी हैव वन मीटर सो लाइक दिस वे वी हैव इफ नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर देन वी कैन प्रजेंट एज नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड इक्वलिटी में जो आंसर निकल करके आएगा वो होगा नाइन मीटर दैट इज आवर फाइनल आंसर सो वी हैव वन बंडल देन हंड्रेड यूनिट ओके इफ वी हैव टू बंडल देन टू हंड्रेड यूनिट if we have 3 bundle then we have 300 units so we have 9 meter as a 9 bundle so we have 900 centimeter or 900 units that is it क्लियर हो गया ओके बेसिक्स ध्यान रखना कि भाई टेन एम mm है ना तो टेन एम mm एम रिप्रेजेंट करेगा हमारे वन सी को किसको कर रहा है वन सी को और अगर हंड्रेड सी है ना तो so वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे वन मीटर को सो दैट इज द बेसिक यूनिट्स और इनका कन्वर्ट convert, कन्वर्टेशन देखेंगे हम इसको आ, हम इनको रिवर्स मोड देखेंगे ना तो मल्टीप्लीकेशन से हम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं चलो नेक्स्ट क्यों मूव कर लेते हैं सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर लाइक दिस वे अब हम क्या कर रहे हैं

3 multiplication by 100. आंसर विल बी 300 सेंटीमीटर डेट इज अवर फाइनल आंसर सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों आ रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं डिसेंडिंग की ओर मूव कर रहे हैं और जब बिग टू स्मॉल मूव करने वाले होते हैं तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन देते हैं जैसे सेंटीमीटर से अगर mm में हम मूव करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन बाई टेन दिया था हमने दिया था ना तो वैसे हमने यहाँ पे क्या किया मीटर से हम सेंटीमीटर में मूव कर रहे हैं इफ यू है

क्लियर अरे सीधा सीधा देखो सेवन बंडल्स का यूनिट है सिंगल यूनिट फाइंड कर लो वन बंडल हंड्रेड यूनिट कह रहा है बंडल क्या कहेगा हंड्रेड कह सेंटीमीटर तो सेवन मीटर क्या कहेगा सेवन हंड्रेड सेंटीमीटर दैट इज आवर आंसर सो यहाँ पे हमने मेंशन करना है सी एम ओके क्या मेंशन करेंगे सेंटीमीटर सो ये हमने यहाँ पे मैंशन कर दिया ये इजीली बंडल कॉन्सेप्ट है लाइक द दिस वे यू कैन सी थ्री थ्री हंड्रेड सेवन सेवन हंड्रेड हो रहा है ना क्लियर चलो लास्ट यूनिट का जो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स हेयर वी हैव एट मीटर एंड फिफ्टी सेंटीमीटर बोथ आर कंबाइंडली सो हमें इन दोनों को क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है सो so, देखो एक बात बताओ सीधा सीधा देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस यूनिट की तो ये क्या कह रहा है आई एम द मीटर यूनिट ये कह रहा है मैं मीटर यूनिट हूँ एट मीटर हूँ ठीक है अनदर यूनिट क्या कह रहा है आई एम देंटी मीटर यूनिट आई हैव दैपैसिटी ऑफ फिफ्टी सो मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ आप लोग क्या हम इसे कन्वर्ट करेंगे फिफ्टी को नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में शो हो रहा है तो उसका फिर क्या करेंगे भाई उसको लास्ट में हम सेंटीमीटर फैमिली में इंक्लूड कर देंगे किया था ना हमने चैप्टर में भी ऐसा ही तो चलो यहाँ हम फॉलो कर लेते हैं एक बार देखो वी विल टॉक अबाउट द वन मीटर सेगमेंट देन वी कैन ईजिली नो इफ़ वी हैव वन मीटर देन ईजीली वी कैन सी वी हैव हंड्रेड सेंटीमीटर हेयर यू कैन सी वी हैव एट मीटर सो एट मीटर का मीन्स क्या हुआ 8 multiplication by 100, so total amount goes is 800 centimeter. That is the meter conversations. We meter to convert 800 and in the uh, numerical, we have the amount of 50 centimeter. Another, so easily we can say 800 multiplication sorry, 800 addition by the 50, then total amount goes as 850 centimeter. That is our final answer. Is this clear? देखो इस वाले सेगमेंट को बदलना है भाई क्यों बदलना है क्योंकि ये मीटर में है। और कमांड क्या कह रहा है मीटर टू सेंटीमीटर चलो कहा चल रहा है मीटर टू सेंटीमीटर सो so, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ठीक है अनदर क्या कह रहा है सेंटीमीटर में बदलना है ये ऑलरेडी क्या है सेंटीमीटर तो ये तो लास्ट में ऐड हो जाएगा फैमिली में एट को हमने कन्वर्ट किया एट हंड्रेड आ गया फिफ्टी हमारे पास ऑलरेडी था हमने दोनों को ऐड किया एट फिफ्टी सेंटीमीटर अपना फाइनल आंसर आ गया सो डियर स्टूडेंट दिस डी द क्वेश्चन सीरीज देयर वी विल ट्राई टू सॉल्व स्टॉल क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल्सो जहाँ पे हमने कन्वर्ट को लेकर के अच्छी खासी नॉलेज का जो आउटपुट था उसे चेक कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे क्योंकि चैप्टर में हमने अच्छे से इसको लर्न किया था सो डियर स्टूडेंट कीप वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू सोन इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू